नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऊष्मा, ऊष्मा के प्रकार और ऊष्मा का आदान प्रदान। दोस्तों, ऊष्मा के बारे में जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया उनका नाम था रनफोर्ड या बेंजामिन सिम्पसन। इन्होंने क्या बताया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ये कुछ बातें हैं। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है या संचरित होती है। ऊष्मा और कार्य को आपस में एक दूसरे में बदला जा सकता है, ये चार बातें हैं। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, मतलब ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है तो ऊष्मा को भी कार्य में आसानी से बदला जा सकता है। ऊष्मा व कार्य को एक दूसरे में बदला जा सकता है। ज़्यादातर आपके एग्जाम में सवाल जो है वो मात्रक से आते हैं। ऊष्मा के दो मात्रक है, कैलोरी और जूल। पहला सवाल ऊष्मा का SI या स्टैंडर्ड जो मात्रक है, मानक मात्रक है, वो जूल है। और जूल के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया, जेम्स प्रिकॉट जूल। एक और मात्रक है कैलोरी, जिसका जनरल वे में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। निकोलस क्लीमेंट ने कैलोरी के बारे में बताया और आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा भी जा चुका है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। एक और बात आप याद रख लें, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10^7 अर्ग। अर्ग वही CGS में मात्रक है और जूल MKS में मात्रक है। दूसरी बात, अपन दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं ऊष्मा के प्रकार। किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड करना है, उसको बांटना है, तो कोई आधार होना चाहिए। हम ऊष्मा के दो प्रकारों के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट और गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। इनको किस आधार पर बांटा गया है? किसी पदार्थ को आप ऊष्मा दे रहे हैं तो उस पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ऊष्मा कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पहली विशिष्ट ऊष्मा और दूसरी गुप्त ऊष्मा। दोनों की डेफिनेशन देखिए, परिभाषा अगर आप देखेंगे, किसी पदार्थ को अगर आप ऊष्मा देते हैं और इस ऊष्मा से उसके तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। अवस्था परिवर्तन आप पूरे वीडियो में देख चुके हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से वापस द्रव, द्रव से वापस ठोस, ये सारी अवस्था परिवर्तन हैं। तो यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके तापमान में वृद्धि हो लेकिन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इस प्रकार की ऊष्मा क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। यहाँ देखिए, यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज, लेकिन उसमें अवस्था परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार की ऊष्मा क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा दोनों में आपको क्लियरिटी के साथ अंतर समझ में आना चाहिए। एक बार दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखी है कि जल का घनत्व 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कांस्टेंट रहता है। अगर आप जल का तापमान यहाँ से बढ़ाकर यहाँ तक करते हो तो भी घनत्व फिक्स रहेगा, मतलब इस रेंज में तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? कई बार जो विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन है उसमें बोला जाता है कि 1 ग्राम जल का तापांतर या ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए उसमें जो दी गई ऊष्मा है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। परिभाषा में इस लाइन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि 14.5 डिग्री से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जल का घनत्व कांस्टेंट रहता है। फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो dQ बराबर MS dT। dT क्या होता है? यह है ऊष्मा, m क्या है? द्रव्यमान, s क्या है? स्पेसिफिक हीट, और dT क्या है कि तापमान कितना बढ़ाया गया है। यहाँ देखिए, ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये मान लो 1 ग्राम का कोई पदार्थ है। इस 1 ग्राम वाले द्रव्यमान का तापांतर आपने 1 डिग्री बढ़ा दिया, मतलब सपोज करें पहले 14.5 था तो 15.5 कर दिया, 1 डिग्री बढ़ गया।
एक डिग्री तापमान बढ़ाना है किसका, एक ग्राम पदार्थ का, उसके लिए उसको दी गई जो ऊष्मा है वही क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूले में इसको S बराबर डी क्यू अपॉन एम डी टी। इसका अगर मात्रक देखेंगे तो देखिए डी क्यू का मात्रक ऊष्मा है कैलोरी, एम द्रव्यमान है इसलिए ग्राम, और डी टी ताप का अंतर है इसलिए डिग्री सेल्सियस, और ये जो मात्रक है वो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है सी जी एस पद्धति में। अगर यही आपसे पूछे एम के एस पद्धति में तो कैलोरी को क्या लिखेंगे, जूल, ग्राम को क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखेंगे, केल्विन। तो ये किस में मात्रक हो गया, एम के एस में, विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, एक ग्राम जल को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो दी गई ऊष्मा है वो क्या कहलाएगी, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा, घनत्व के बारे में जानकारी, दोनों की डेफिनेशन, किस आधार पर, उस पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, जूल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, कैलोरी के बारे में किसने बताया, ऊष्मा और कार्य को क्या एक दूसरे में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, ऊर्जा का ही एक रूप है, और सबसे पहले जानकारी किसने दी, बेंजामिन सिम्पसन ने। ऊष्मा, ऊष्मा के प्रकार और थोड़ा बहुत विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अपन ने बात की है, आइए विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के बारे में और बात करते हैं। फॉर्मूला डी क्यू बराबर एम एस डी टी, और स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा एस डी क्यू अपॉन एम डी टी, सी जी एस में मात्रक कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, एम के एस में जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। यहाँ से आपको मात्रक याद रखने हैं विशिष्ट ऊष्मा के, सी जी एस में क्या है, एम के एस में क्या है, फिर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, अभी अपन ने इतनी बात कर ली विशिष्ट ऊष्मा डेफिनेशन, सवाल का जो पैटर्न है वो ये रहा, इस पर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बर्फ से पानी बनी, पानी से वाष्प बन गया, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5, पानी की 1 और वाष्प की 0.47। अब एग्जाम में पूछा जाता है चार ऑप्शन देके कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पानी की, उससे कम किसकी होगी, बर्फ की, और सबसे कम किसकी होगी, वाष्प की। और आप इतना और याद रखें कि 1 या 0.5, बस वाष्प की 0.5 से थोड़ी कम है, उसके आसपास ही है, 0.47 है। एक तरीका ये भी है कि अब ये बातें आप भूल सकते हैं, ये तो आपको पता है कि अगर घनत्व के हिसाब से बात करें तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा, उससे कम बर्फ का, तभी तो बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है, और सबसे कम घनत्व वाष्प का, तो जिसका ज़्यादा घनत्व उसकी विशिष्ट ऊष्मा भी ज़्यादा। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का, विशिष्ट ऊष्मा भी ज़्यादा, उससे कम बर्फ का, उसकी कम, फिर सबसे कम वाष्प की। तो ये सारी बातें आपको विशिष्ट ऊष्मा के आधार पर याद रखनी है कि विशिष्ट ऊष्मा का क्रम वही है जो घनत्व का है। अगर ये लाइन आपको याद हो जाती है, उसके बाद ये क्रम याद रखें, उसके बाद आप डिजिट याद रखें, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, एक, बर्फ की कितनी होती है, आधी, और वाष्प की कितनी होती है, 0.47। अब इस फॉर्मूले के आधार पर बात करते हैं, आपको पता है विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो पदार्थ के ताप में वृद्धि करती है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ताप पहले जितना हो उसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि समतापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा। आपको ये तो पता है दोस्तों, समतापीय प्रक्रम का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले जितना ताप था बाद में भी वही तापमान रहे, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तभी तो समतापीय है। अब अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो देखो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला डी क्यू एम डेल्टा टी।
अब अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि डी टी बराबर क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, और परिवर्तन ही नहीं हुआ तो ये वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। और ज़ीरो का अगर भाग देंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू में तो आंसर कितना आ जाएगा, अनंत। रटना नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब डी टी हुआ ही नहीं, ताप बढ़ा ही नहीं, पहले जितना ही है, तो अंतर कितना हो गया, ज़ीरो, और क्या हो गया, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनंत। समतापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान इनफाइनाइट होता है। यही बात रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम में जो निकाय है वो बाहर से ना ऊष्मा लेती है ना ऊष्मा देती है। अब जब बाहर से ऊष्मा लेती ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने बाहर से ऊष्मा ली ही नहीं। S बराबर डी क्यू एम डी टी, बाहर से ऊष्मा ली नहीं तो ज़ीरो, और जब ली नहीं ज़ीरो तो फिर रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान भी क्या हो गया, ज़ीरो। इन पूरी बातों में मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, किसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। समतापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनंत और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान ज़ीरो होता है। क्यों होता है, एक बेसिक सा फॉर्मूला, उसके आसपास और डेफिनेशन। समतापीय प्रक्रम में ताप समान रहता है, समान रहता है तो डी टी का मान ज़ीरो, क्योंकि ताप का अंतर कुछ हुआ ही नहीं, पहले जितना था अब भी उतना ही है। अब अपन बात करते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के बारे में। डी क्यू एम एल ये फॉर्मूला है। देखो पहले फॉर्मूला क्या था, डी क्यू एम एस डी टी, एस फोर स्पेसिफिक हीट, डी टी क्यों था, क्योंकि तापमान में वृद्धि होती थी। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब ही यही होता था कि ऐसी ऊष्मा जो पदार्थ के ताप में वृद्धि कर दे, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब यहाँ पर डी टी नहीं आएगा क्योंकि ताप में वृद्धि नहीं होती, अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए एम एल, एल आ गया डी क्यू अपॉन एम। सी जी एस में मात्र कैलोरी प्रति ग्राम, एम के एस में जूल प्रति किलोग्राम, ये एम के एस में हो गया। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ये देख लीजिए, बर्फ़ से पानी बना, पानी से वाष्प बनी, बर्फ़ से पानी में बनने के लिए जो गुप्त ऊष्मा दी गई वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। पानी से वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा दी गई वो है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको जब अवस्था परिवर्तन पढ़ाया था तब भी बताया था कि बर्फ़ है, बर्फ़ में मॉलिक्यूल पास पास है, पानी में अब वो दूर दूर हो जाएंगे, तो ये जो ऊष्मा दी गई थी वो उन कणों को दूर दूर करने में खर्च हुई है, इससे तापमान नहीं बढ़ा है। पानी था, पानी से वाष्प बनी, उसमें भी ये जो ऊष्मा है वो उस जल के कणों को दूर दूर करने में खर्च हुई है, इससे तापमान में वृद्धि नहीं हुई है। तो यही तो गुप्त ऊष्मा है कि उसकी वजह से पदार्थ के तापमान में वृद्धि नहीं हो, बस जो पहले ठोस था वो द्रव में, जो पहले द्रव था वो किस में बदल जाए, गैस में। ये डिजिट आपको याद रखनी है, 80 और 540। वही बात रुद्धोष्म निकाय के लिए अगर आपसे कोई गुप्त ऊष्मा के बारे में पूछे तो ये देख लीजिए, S बराबर या अब की बार L बराबर डी क्यू अपॉन एम। जब बाहर से ऊष्मा लेना देना ही नहीं है तो L का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा दोनों का मान क्या होता है, ज़ीरो। लेकिन समतापीय प्रक्रम का यहाँ पर देखिए, वास्तव में समतापीय जो प्रक्रम है उसके लिए ही तो विशिष्ट ऊष्मा है, क्योंकि ताप समान रहता है और अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसके लिए जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नियत रहेगी। तो एक बहुत ही ऑप्शन शानदार बन सकते हैं क्वेश्चन में, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के मान शून्य होते हैं, जबकि समतापीय प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अनंत और गुप्त ऊष्मा का मान कुछ नियत या फिक्स राशि होता है। बाकी इनके मात्रक आपको याद रखने हैं। यहाँ पर यह याद रखना है, विशिष्ट ऊष्मा का मान कहाँ ज़्यादा है और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट बात समझ में आ जाए, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा कैसे कैलकुलेट करनी है, और इस कैलकुलेट करने से आपको विशिष्ट ऊष्मा के मान
गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा के फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई जनरल बात पूछे कि आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो -15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है और उसका द्रव्यमान है 20 ग्राम। अब आप इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना चाहते हैं इसका तापमान। मतलब पहले आपके पास -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था बर्फ़ के टुकड़े का, द्रव्यमान 20 ग्राम। अब उसको आप गर्म करते करते 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना चाहते हैं तो आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, अब देखते हैं। सबसे पहले तो -15 से वो आएगा 0 पर, यहाँ से यहाँ तक की विशिष्ट ऊष्मा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला dQ = mSdT, m 20 ग्राम, s बर्फ के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती थी 0.5, और ताप में अंतर -15 से 0 आ गया तो 15, कैलकुलेट किया 150 कैलोरी। -15 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको 0 पर आने में कितनी ऊष्मा चाहिए, 150 कैलोरी। 0 से ही क्यों डायरेक्ट वहाँ कैलकुलेट नहीं कर दिया, इसके पीछे रीजन देखिए। अगर आपने -15 से सीधा 80 वाला और dSmsdT लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने के लिए तापमान नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और ताप में परिवर्तन नहीं हो, अवस्था परिवर्तन हो, तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और अभी मैंने आपको लिखवाया था कि बर्फ से पानी में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी। तो अपने पास कितना है 20 ग्राम, तो उसको कैलकुलेट कर दिया तो कितना हो गया 1600। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पानी तक आपको लेके जाना है। अब अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है, और इसको विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। dQm कितना 20, s जल के लिए पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 1, और dT 0 से 80 टेम्परेचर 80 बढ़ा है 1600, तो टोटल ऊष्मा 150, 1600, 3200, 3300 और 3350 कैलोरी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको, आप सोचेंगे इतना टफ सवाल थोड़ी आएगा, इससे आपको क्या आइडिया लगना है, स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, और -15 से 80 तक ले जा रहे हैं तो सीधा टेम्परेचर ही नहीं, बीच में गुप्त ऊष्मा भी आती है, और बर्फ से पानी में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम की कितनी है 80 कैलोरी, तो 20 ग्राम की कितनी हो गई 1600, इसकी भी 1600 और 150 टोटल हो गई। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम जल है, उसको आपको वाष्प में बदलना है। अगर क्वेश्चन में आपको वाष्प में लिखा हुआ है केवल, तो आपको कहाँ तक जाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर इस वाष्प का भी तापमान हो, सपोज करो 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आगे यहाँ 100 से अपन क्या कर सकते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड। फिलहाल अपन केवल वाष्प है इसलिए 100 डिग्री तक। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलना है। तापमान बड़ा है और अवस्था वही है, विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1, और सॉल्व कर दिया कितना आ गया 500। पानी से वाष्प में बदलना है, देखो टेम्परेचर वही है, अवस्था बदली है, तो आपको पता होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला ये रहा, पानी से वाष्प में बदलने के लिए कितनी 540, द्रव्यमान कितना 10, 5400, 500 और टोटल कितना हो गया 5900 कैलोरी। अगर इससे आगे भी तापमान बढ़ाना होता तो अपन वापस से विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला लगा देते, बस अब की बार विशिष्ट ऊष्मा किसकी आती, वाष्प की, और वाष्प की कितनी होती है 0.47। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेम्परेचर कहाँ था, कहाँ ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत है, कितनी ऊष्मा उसको प्रदान करने की ज़रूरत है, दो क्वेश्चन जनरली बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको भी अपन इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो बिल्कुल आसान। आपसे बोला जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान है और 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प का तापमान है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा गर्म है।
बच्चे के दिमाग में आता है कि दोनों है तो 100 डिग्री सेल्सियस। देखो गर्म और ठंडा, ये जो महसूस कराएगा वो कौन था? तापमान। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर आपको कितना बता रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमें बात करना है किसके रिलेशन में? ऊष्मा के बारे में। तो कौन ज़्यादा गर्म है? टेम्परेचर तो बिल्कुल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही। अब आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से वाष्प में बदलना है तो इसमें कुछ ऊष्मा और देनी पड़ेगी, और वो ऊष्मा कितनी थी? 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब इसकी जितनी भी ऊष्मा है इसकी ऊष्मा उससे ज्यादा है। कितनी? 540 पर ग्राम के हिसाब से। तो किसकी ऊष्मा ज्यादा हुई? वाष्प की। इसलिए ज्यादा गर्म भी किसको माना जाएगा? बच्चा ये सोचता है कि गर्म 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान तो सेम है ही, लेकिन यहाँ पर हमें ऊष्मा के आधार पर देखना है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में डिफरेंस है 540 कैलोरी पर ग्राम का। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल है, दोनों में से कौन अधिक ठंडा है? तो ये देखो, बर्फ से जब जल बना होगा तो उसने गुप्त ऊष्मा ली होगी, और वो गुप्त ऊष्मा कितनी थी? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका मतलब इसमें ऊष्मा ज़्यादा है और इसमें कम है, और जिसमें कम है वही क्या है? अधिक ठंडा है। तो कौन अधिक ठंडा है? वो बर्फ। और कौन ज़्यादा गर्म है? वो क्या हो जाएगी? वाष्प। इस तरीके से ऊष्मा के आदान प्रदान से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल आपको चीज़ें बताएंगे, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, अवस्था बदली है तो गुप्त ऊष्मा, टेम्परेचर बदला है अवस्था वो की वही है तो क्या होगी? विशिष्ट ऊष्मा। इसी से जुड़े हुए ऊष्मा के आदान प्रदान से संबंधित ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में और बात करते हैं। अगर समान अवस्था के पदार्थों को आपस में मिलाना है तो अंतिम जो तापमान होगा वो क्या होगा? जैसे यहाँ पर एक पात्र में पानी लिया जिसका द्रव्यमान m1, तापमान t1, दूसरे पात्र में भी पानी, द्रव्यमान m2 और तापमान t2, दोनों को मिलाया और नया तापमान आया t, तो ये t का मान निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपके सामने है। जैसे ये वाले का तापमान ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, तो दोनों का जो मिश्रण होगा उसके तापमान में तो ज़्यादा वाले का तापमान कम हुआ होगा और कम वाले का तापमान ज़्यादा हुआ होगा पहले से, तो इसने ऊष्मा का त्याग किया, इसने ऊष्मा ग्रहण की। भाई ज़्यादा है कम तापमान हुआ तो त्याग किया, कम है ज़्यादा तापमान हुआ तो ग्रहण हुआ। अब वही विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला ms∆T m1, इसकी विशिष्ट ऊष्मा s, इसका तापमान ज़्यादा था इसलिए T1 - T m2, दोनों पानी है तो विशेष ऊष्मा सेम है T, और इसका तापमान माइनस में T2। इसको सॉल्व किया, फाइनल जो तापमान है m1 T1 m2 T2 / m1 m2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास पानी है 10 ग्राम, 10 सेंटीग्रेड दूसरा पानी है 30 ग्राम, दोनों को मिलाया अंतिम तापमान कितना होगा? यही फॉर्मूला है, m1 कितना हो गया 10, t1 कितना हो गया 50, m2 30, t2 10 / में क्या होगा दोनों का द्रव्यमान, सॉल्व किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। अगर समान अवस्थाओं के पदार्थ है तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये फॉर्मूला है, बिल्कुल कैसे डराइव हुआ है वो आपके सामने है, आराम से देखें और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार अपन क्या करते हैं, 50 का था और 10 का, तो दोनों का मिश्रण हो जाएगा तो 50 और 10 कितने हो गए? 60 और आधा 30 हो गया, जबकि आंसर कितना आ रहा है? 20 है ना। तो बिल्कुल आसान है कि दो मिश्रण, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 10 ग्राम 50 सेंटीग्रेड और 30 ग्राम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए
अंतिम जो तापमान निकालना है उसका फॉर्मूला ये होगा, सीधा आप कैलकुलेट नहीं कर दें वरना आंसर 30 आ जाएगा और बिल्कुल गलत होगा। और ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ताकि बच्चा आराम से आंसर दे। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल करना है, जब दोनों की अवस्थाएँ सेम हो, ताकि विशिष्ट ऊष्मा सेम हो जाए। समान अवस्थाओं के पदार्थों का अगर आपस में मिलाने पर अंतिम तापमान ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। दो पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उस मिश्रण की जो नया तापमान आएगा उस मिश्रण का, वो तीन तरीकों से आप निकाल सकते हैं। पहले दोनों मिश्रण जो आप मिला रहे हैं उनका द्रव्यमान भी बराबर है और विशिष्ट ऊष्मा भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक ही अवस्था के हैं, दोनों द्रव हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में तापमान अलग अलग है तो सीधा फाइनल टेम्परेचर औसत वाले से इसका तापमान बटे में दो। अगली कंडीशन देखो क्या बदला है, अब की बार द्रव्यमान बदल गया तो फॉर्मूला, और इससे अपन ने कैलकुलेशन भी कर ली है। अगर एक एक तरफ बर्फ है एक तरफ पानी है तो दोनों की अवस्था भी बदल चुकी है, उस समय के लिए फॉर्मूला ये है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का द्रव्यमान 50 ग्राम, उसे 30 ग्राम बर्फ जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री है मिलाने पर अंतिम तापमान, ये फॉर्मूला यहाँ से M1 कितना हो गया 50, S पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती थी 1, यहाँ कितना हो गया टेम्परेचर 60, कैलकुलेट किया और आंसर यह आ गया। तो दोस्तों ऊष्मा, ऊष्मा के प्रकार, ऊष्मा का आदान प्रदान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और कुछ महत्वपूर्ण बातें, किसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, लेटेंट हीट, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, रुद्धोष्म प्रक्रम, क्षमतापी प्रक्रम, इनमें विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में बता दी है। बिल्कुल अच्छे से पूरे वीडियो को ध्यान से देखें।